दोस्तों, आपके टेलीविज़न का रिमोट जो है वो ख़राब हो चुका है और आप आए हैं एंड्रॉयड आईओएसओ, यानी कि आपके पास एंड्रॉयड आईओएसओ आप यूज़र हैं, तो आप रिमोट यानी कि आपको तलाश है। तो आज हम आप सबके लिए एक बेहतरीन एंड्रॉयड रिमोट के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा, जिसको मैं भी यूज कर रहा हूं, जिससे आसानी से हम अपने डीटीएच, फ्री डिश और एयरटेल, वीडियोकॉन सभी प्रकार से डीटीएच ऑपरेटर यानी कि बॉक्स को यूज हम आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रॉब्लम ज़्यादातर तुम्हारे फ्री डिश के यूजरों को आती है, और मैंने एक रिसेंट एक वीडियो पब्लिक किया था अगले मंथ की, हमने बताया था कि उसमें इस रिमोट जरिए आप कैसे इस एप्लीकेशन जरिए आप इस से आप अपनी सर जो हमारा ये रिमोट है ये नहीं वर्क कर रहा है। तो ऐसे में आपके लिए वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली, इस वीडियो को एंड तक देखते रहेगा आप जाकर आपको अपडेट मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं इस प्रकार से इस एप्लीकेशन को यूज करना है। दोस्तों, आपको अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा। यहाँ पर जाने के बाद आप सभी को यूनिवर्सल रिमोट टैप करना होगा और आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो सिंपली इसको ओपन करके मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा अपने इस मोबाइल में। तो ये काफ़ी अच्छा ये ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, उससे मैं यूज़ किया हूँ। और इससे इसी के साथ साथ आप डीटीएच यानी कि समझ सकते हैं सारे तरीके से आप इसमें यूज कर सकती हो। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है, इन्वर्ट टीवी रिमोट के सामने आ जाएगा और यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो रिमोट, माई रिमोट सेटिंग और रेटर्स का ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ही देखने को मिलेगा। तो क्रिएट पे अगर आप देखते हैं तो इस प्रकार से आपको अलाउ का ऑप्शन आ जाएगा। तो अलाउ करने के बाद आप सभी सामने एडवर्टाइज आएगा, तो एडवर्टाइज को हमारे लिए सिंपली इसमें कट कर देना होगा। तो अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर टीवी, सेटअप बॉक्स, एसी, कैमरा, स्मार्ट बॉक्स और एवी रिसीवर, रेटर्स और डीवीवी प्लेयर, शेयर जैसे ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अगर आपको रिसीवर चलाना है, रिसीवर और टीवी कंट्रोल करना है, टीवी कंट्रोल कर सकते हो, एसी भी आप इसमें साथ साथ एसी भी कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कैमरा का भी ऑप्शन है और स्मार्ट बॉक्स भी यहाँ पर रिसीवर का भी ऑप्शन है। तो सिंपली हम पहले अगर आपको टीवी यानी कि बॉक्स को यूज़ करना है तो सिंपली बॉक्स वाले पे हमें टैप करना होगा और फिर से एक एडवर्टाइज आएगा तो इसको हम सिंपली कट कर देंगे। तो यहाँ पर ऊपर हमें सर्च हेयर का ऑप्शन मिलेगा, जो कि आप अपने ब्रांड सेट ऑफ बॉक्स ब्रांड को इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर बात करें हमारे पास एयरटेल डिजिटल का बॉक्स है, आपके पास जिस कंपनी का इस ब्रांड का बॉक्स है, तो आप इसमें आप सर्च कर सकते हो, देख सकते हो आपके सामने कुछ इस टाइप से मिलेगा, एयरटेल डिजिटल सॉलिड डीटीएच और मतलब इंडिया के जितने भी डीटीएच होते हैं आप देख चलाते हो वो सारे इसमें आपको अवेलेबल हो जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं डीडी फ्री डिश आपको इस प्रकार इसमें चलाएंगे। तो डीडी फ्री डिश के लिए आप इसमें सिंपली देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे अभी यहाँ पर डीडी फ्री डिश देखने को मिल रहा है। तो डीडी फ्री डिश पे टैप करने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा। तो वी फाउंड इन द जीरो रिमोट इन द फाउंड इज द डीडी फ्री डिश सेट ऑफ बॉक्स। तो यहाँ पर अपने बॉक्स को यहाँ पर आपको पेयर एड करना होगा, तरीके से कह सकते हो आप पेयर एड करना होगा, पॉइंट करना होगा आपके बॉक्स में, कुछ पॉइंट्स होते हैं उसके हिंट से आप पेयर एड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट आपका चलता रहेगा, उसको आप सिंपली ऊपर से कट करते रहेगा। तो एडवर्टाइज करने के बाद कुछ इस टाइप से इंटरफेस होगा और आप इसमें पेयर्ड आसानी से कर सकते हो। तो पेयर्ड करने के लिए आपके स्क्रीन पर इस टाइप से ओपन होगा, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो आपका रिसीवर है क्या वो उसमें कुछ हलचल हुई, जो आपने यहाँ पर पावर ऑन ऑफ किया तो वो हुआ या नहीं। तो यहाँ पर पूछ रहा है तो आप इसको यस कर सकते हो, अगर आपका पावर ऑन ऑफ हुआ तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं हुआ तो नो करिएगा, तो फिर से यहाँ पर दूसरे पर आप चला जाएगा। दूसरे पर जाने के बाद फिर से आपको ऐसे क्लिक करना होगा, फिर आपको ऐसे क्लिक टैप करने के बाद आप सभी समय फिर से एक बार वही प्रश्न पूछेगा। तो सिंपली आपको इस पर टैप करना होगा, अगर हो गया हो तो यस कर दीजिए, नहीं हुआ तो नो कर दीजिए। तो सिंपली हमें इस पर यस पे टैप करना होगा। यस पे टैप करने के बाद आप सभी सामने आपका जो रिसीवर है वो फाइनल देख सकते हो, यहाँ पर पेयर यानी कि लिख चुका है, आपका इस बॉक्स जो है रिमोट कंट्रोल काम करने के लिए तैयार हो चुका है। तो सिंपली इस पर पेयर करने के बाद आपका रिमोट जो है वो काम करने लगेगा। तो ऐसे आप अपने मोबाइल में किसी भी डिटेच किसी भी बॉक्स को आप आसानी से अपने मोबाइल को रिमोट बना सकते हो, स्मार्ट रिमोट एक तरीके से कैसे बना सकते हो अपने मोबाइल से। तो चलिए आज की वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक शेयर करके जरूर से बताएगा और चैनल पहले चैनल सब्सक्राइब कर, क्योंकि आपके लिए ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। इसकी डाउनलोड लिंक की बात करें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इसे गूगल प्ले स्टोर पर भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।